guys, welcome back to my YouTube channel Blossom Myth. So if you haven't seen my face yet, hi guys, my name is Neeti, and if you already subscribed to my channel, thank you so much guys for watching my video again. So in this video, I'm gonna share how to choose a perfect foundation for your skin. मतलब आपकी skin अगर oily है तो कौन सा choose करना चाहिए और अगर medium है तो कौन सा choose करना चाहिए और अगर ये video आपके लिए helpful रही तो please इस video को जरूर like करना और share करना. So let's start it. तो गाइस जो फाउंडेशन होते हैं वो चार टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है लिक्विड फाउंडेशन, सेकंड क्रीम फाउंडेशन, थर्ड स्टिक फाउंडेशन एंड फोर्थ पाउडर फाउंडेशन. आपको फाउंडेशन हमेशा अपनी स्किन टाइप देख के ही लेने चाहिए वरना आपका मेकअप एकदम पैची लगेगा, फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा और मेकअप बिल्कुल अनइवन लगेगा. सो जो फर्स्ट फाउंडेशन मैं बताने वाली हूँ वो है लिक्विड फाउंडेशन. और लिक्विड फाउंडेशन में आपके पास लैक्मे परफेक्टिंग के आ जाते हैं, मेबलिन, फिट मी, काफ़ी टाइप के आ जाते हैं. और जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो सारी स्किन टाइप लगा सकती है, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो ड्राई हो. लिक्विड फाउंडेशन सबके लिए होते हैं क्योंकि वो हमारी स्किन पर अच्छे से बैठ जाते हैं. तो मेरे पास ये दो हैं, फिट मी का और लैक्मे का, मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ. और मेरी है नॉर्मल स्किन टोन, मेरी ना ज़्यादा ऑयली है ना ड्राई है, तो मैं अपने पास ही फिट भी रखती हूँ, ये रिकमेंड करती हूँ. सो अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है तो आप ये लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. जो सेकंड फाउंडेशन होता है वो होता है स्टिक फाउंडेशन. और स्टिक फाउंडेशन होता है ऑयली स्किन के लिए क्योंकि ऑयली स्किन में ऑलरेडी मॉइस्चराइज होता है और स्टिक फाउंडेशन काफ़ी ड्राई होते हैं, तो वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं. अगर ये ड्राई स्किन वाले लगाएंगे तो ऑफकोर्स उनका पूरा ये जो यहाँ जहाँ पे वो फाउंडेशन लगाएंगे पूरा केकी हो जाएगा, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा. और ये जो मेकअप के बाद फाउंडेशन के बाद जो निकलने लगता है वो होगा. सो आई थिंक बिल्कुल भी ड्राई स्किन को ट्राई नहीं करना चाहिए, ये ऑयली स्किन के लिए ही होता है. और आपको स्टिक में मिल जाएंगे, ओलिविया पैन स्टिक मिल जाएगी, बॉबी ब्राउन का मिल जाएगा और आपको काफ़ी टाइप के मिल जाएंगे स्टिक फाउंडेशन. और स्टिक फाउंडेशन ज़्यादा सस्ते नहीं आते और ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं. और स्टिक में मेरे पास ये ओलिविया पैन स्टिक है और गाइस आई लव इट. मतलब मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती हूँ बट अंडर आइज में मैं इनको यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी है. ये थोड़ी जैसे मैंने बताया थोड़ी ड्राई होती है, ऑयली स्किन के लिए होती है. सी सो आई टू लव दिस. और ये इतनी सी बची है, सी मुझे इतनी अच्छी लगती है. और ये बहुत अफोर्डेबल है, अगर आप बिगनर हैं तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये आती है आई थिंक 110-120 की और आपको मार्केट में आराम से 90-100 रुपीज़ में मिल जाएगी. सो या जो थर्ड कैटेगरी आती है फाउंडेशंस की वो होती है क्रीम फाउंडेशंस. और क्रीम फाउंडेशन में मैंने सिर्फ लाइक मैं 95 यूज़ किया है जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था, यानी कि स्कूल के दिन, तो मैं वही लगाती रही 95. वो काफ़ी अच्छी है, वो अफोर्डेबल भी है और आपको काफ़ी सारी कैटेगरी मिल जाएगी क्रीम में, जैसे कि लैक्मे एब्सोल्यूट मैट रियल स्किन नेचुरल फाउंडेशन, बॉबी ब्राउन का लॉन्ग वेयर इवन फिनिश फाउंडेशन और लैक्मे 925 फाउंडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो क्रीम फाउंडेशंस होते हैं ड्राई स्किन के लिए क्योंकि वो क्रीमी होते हैं तो ड्राई स्किन में वो आराम से बैठ जाते हैं, बस आपको प्राइमर अप्लाई करना होता है और आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं लगती, वो आपकी स्किन में थोड़ा मॉइस्चराइज भरते हैं और काफ़ी अच्छा वो ड्राई स्किन में बैठते हैं. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली क्रीम फाउंडेशन ही लगाएं, स्टिक और नॉर्मल ना लगाएं क्योंकि आपकी स्किन पैची होने का डर होता है मेकअप के बाद. मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता अगर आप दूसरे फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं क्रीम के बगैर. सो आई थिंक या ड्राई स्किन, सो गो फॉर क्रीम. सो जो फोर्थ कैटेगरी आती है फाउंडेशन की वो होती है पाउडर फाउंडेशन. और पाउडर फाउंडेशन होते हैं ऑयली स्किन के लिए क्योंकि वो पाउडर के फॉर्म में होते हैं तो आपका वो पूरा ऑयल जो इस टी जोन में और नोज एरिया में होते हैं वो पूरा अच्छे से फिनिश कर देते हैं, आपको ऑयल नहीं आता फेस पे, वो पूरा अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो या पाउडर फाउंडेशंस जो होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं और ये वाले फाउंडेशन ज़्यादा अच्छी कवरेज नहीं देते जैसे कि हम अपने फाउंडेशन के बाद उन्हें लगाते हैं. सो या सो इनमें आते हैं मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन, मेबलिन का फिट मी मैट पोरलेस पाउडर, बहुत सारे आते हैं. तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो प्लीज़ और ज़्यादा और फाउंडेशन से अच्छा ये फाउंडेशन के ऊपर ये ज़रूर लगाएं या फिर आप यही लगाएं. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और ज़रूर ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. एंड या थैंक यू सो मच.